दोस्तों आपको अगर अभी एक बड़ा सा टीवी कम कीमत में चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं ब्लॉकबॉन्ग के 40 इंच फुल एचडी स्मार्ट टीवी के बारे में, जो कि दोस्तों आपको 15,000 के कम कीमत में मिल जाएगा। तो क्या है इस टीवी के अंदर, सब कुछ इन डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको तो पता ही होगा, और हमारे फैमिली में जुड़ जाइए। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सम्यक, यू आर वाचिंग टेक फिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों यह है ब्लॉकबॉन्ग का 40 इंच का फुल एचडी स्मार्ट टीवी। इसका कीमत कम है, लेकिन दोस्तों यहां पे डिजाइन अच्छा आपको देखने को मिलेगा, फ्रेम बहुत ही पतला आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपको एक बेजललेस एक्सपीरियंस का फील आएगा। और उसके अलावा यहां पे आपको जो पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगा, उसका कलर ब्राइटनेस और जो कंट्रास्ट का कॉम्बिनेशन है वो ओवरऑल ठीक ठाक दिया गया है, जो कि आपको एक डिसेंट पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और दोस्तों उसके अलावा इस स्मार्ट टीवी में आपको नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, यूट्यूब सब ओटीटी सपोर्टेड मिल जाएगा। हालांकि एक एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्ट टीवी नहीं है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये स्मार्ट टीवी आता है, लेकिन दोस्तों सभी ओटीटी यहां पे आपको सपोर्टेड मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। साथ ही साथ अभी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहां पे आपको अमलोजिक का क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, और दोस्तों माली G31 का GPU भी यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि RAM और इंटरनल स्टोरेज थोड़ा कम दिया गया है, 512 MB का RAM दिया गया है, 4 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। ये थोड़ा ज्यादा होता तो और बेहतर होता, लेकिन ठीक है। और ऑडियो के बारे में बात तो 40 वाट का ऑडियो मिल जाता है, जो कि डिसेंट है दोस्तों। थोड़ा लाउड ऑडियो आपको यहां पे सुनाई देगा, लेकिन ऑडियो का क्वालिटी इतना बेहतर नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पे डॉल्बी एटमॉस वगैरह दिया नहीं गया है। यहां पे दोस्तों आपको वाईफाई मिल जाता है, मिराकाश मिल जाता है, 3 HDMI पोर्ट दिया गया है, 2 USB पोर्ट दिया गया है, रिमोट में यूट्यूब का एक डेडिकेटेड बटन मिल जाता है और किसी का दिया नहीं गया है। गूगल वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, इतने कम प्राइस रेंज में सब कुछ देना पॉसिबल नहीं होगा। और दोस्तों उसके अलावा स्पेसिफिकेशन वगैरह, पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, ये सब कुछ इतना अच्छा नहीं दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसका जो कीमत है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 13,499 में आपको ये स्मार्ट टीवी मिल रहा है। तो अगर आपको एक बड़ा सा स्मार्ट टीवी, फुल एचडी स्मार्ट टीवी चाहिए कम कीमत में, तो ही आप इसे खरीदिए, उसके अलावा आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक टेकफिन को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज कीजिए, हमारे फैमिली में जुड़ जाइए। सो मिलते हैं टेकफिन के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।